फ्रेंड्स नमस्कार, मैं नैन टेक्नोलॉजी NACRP की तरफ से आपको आज एक वीडियो देने जा रहा हूँ, जिसमें आपको संक्षेप में बताऊँगा NACRP में आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ से क्रेडिट कंपनी, यहाँ से क्रेडिट कंपनी क्लिक करके आप कंपनी बना सकते हैं, आपने उसका एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह सारा बना सकते हैं। और इसके बाद इस तरह से आपकी कंपनी बन के आ जाएगी। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर NACRP है वो ओपन हो जाएगा, नैन सॉफ्टवेयर NACRP। इसमें आपको यूजर नेम डालना होता है और लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपका फ्रंट आपका खुल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में हमने NACRP जो हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है बहुत ही फास्ट चलता है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेस में मिल जाएगा NACRP। आप कहते हैं अपने सर्वर पर डलवाना चाहते हैं, वो सर्वर पर भी डाल के दे रहे हैं हम लोग। तो उसमें आपको आज मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाई स्टेप कि क्या क्या इसमें हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर बेहतरीन है, ऑडियस नंबर वन है, और इस सॉफ्टवेयर को आप चलाने के आपको फ्रेंडली है, मतलब आपको ये नहीं लगेगा हमको ये सॉफ्टवेयर सीखना है जैसे आप और भी सॉफ्टवेयर सीखते हैं मार्केट के अंदर, इसमें आपको सीखना नहीं है। नैन सॉफ्टवेयर कंपनी आपको ये NACRP जो दिया है, GST कंप्लीट GST इन्वेंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपका किसी भी टाइप का बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं, प्रोडक्शन मेंटेन कर सकते हैं, POS मेंटेन कर सकते हैं, आपका परचून की दुकान है, किराना की दुकान है, टेलीविज़न की दुकान है, यानी एनीवे किसी टाइप का भी बिजनेस है उसको ऑल GST सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है हम लोगों ने। और इसको इसीलिए ध्यान में रखते हुए बनाया है कि हर बिजनेसमैन इसको अच्छे से मेंटेन कर पाए और कुछ समय में सारी एंट्री मेंटेन कर पाए। आज मैं फटाफट आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने मास्टर दिया है, मास्टर में अकाउंट में आपका अकाउंट्स दिए हुए हैं सारे, अकाउंट लिस्ट, अकाउंट स्टेट, सिटी, एरिया, और इसमें आपका ग्रुप बन दिया हुआ है। इसमें आपका आइटम ओपनिंग, आइटम स्टॉक, यूनिट, मेंबरशिप कार्ड। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने मेंबरशिप सिस्टम भी दिया हुआ है, जैसे कोई आपका मॉल है, किराना मॉल है, तो उसमें आप मेंबरशिप बना सकते हैं, उसका फ़ोटो वोटो लगा के सारा, तो स्कीम दे सकते हैं उसमें, डिस्काउंट कितने परसेंट उसको मेंबर को देना है, उसका कार्ड, यूनिक कार्ड नंबर ये दे सकते हैं। इसमें मास्टर में हमने टैक्स ले वगैरह सारा बनाया हुआ है। यूजर प्रोफाइल सिस्टम भी दिया हुआ है इसमें कि आप यूजर को क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, उसको एड ऑन मॉडिफिकेशन वगैरह सारा दे सकते हैं। इसमें आप ट्रांजेक्शन में आते हैं, ट्रांजेक्शन में सेल, POS टच, आपका सेल चालान, रिटर्न चालान, परचेज, ये सारा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कोटेशन भी बना सकते हैं सॉफ्टवेयर से, आप इजीली कोटेशन बना सकते हैं, प्रोडक्शन, इसमें आपका स्टॉक ट्रांसफर, जनरल जॉब प्रोसेस, यानी आपका प्रोडक्शन कंपनी है तो आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, उसमें स्टाफ का वर्कर बिल बना सकते हैं, पेमेंट रिसीप, ये सारी एंट्री जितना भी अकाउंटिंग के अंदर है वो सारा हमने इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ बेहतरीन रिपोर्ट दी हुई है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग डिस्क्रिप्शन, आइटम, आपका ट्रायल बैलेंस, हर तरह से ट्रायल बैलेंस दिया है, समरी वाइज ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, आपका डे बुक, कैश बुक, ऑटो कलेक्शन रिपोर्ट, आपका लॉग बुक, आपका मंथली समरी, सारा सेल रजिस्टर, सेल रजिस्टर में भी आपका हर तरह से सेल टाइप दिया हुआ है हमने, रिटेल सेल, एक्सपेंडेड, आपका चालान रजिस्टर, रिटर्न सेल, जो भी रिटर्न हुआ है वो सारा सब कुछ दिया हुआ है। आपको जितने भी ERP हैं उनमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी, वो सारी चीज़ें, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल चीज़ दी हुई है, आप एक बार देखेंगे इसको डेमो तो आपको लगेगा हाँ, POS का रजिस्टर अलग बनाया हुआ है, रिटेल रजिस्टर अलग बनाया हुआ है, और सारा सिस्टम ये दिया हुआ है, परचेज हिस्ट्री और आपका सीरियल नंबर, प्रोडक्शन, जॉब की सारी रिपोर्ट दी हुई है, किस तरह से हमने जॉब इशू किया, कैसे, ये सारा दिया हुआ है। इसके बाद स्टॉक इन्वेंट्री पे आ जाते हैं, स्टॉक आपको स्टेटस देखना है, सारा स्टॉक आपको दिखाई दे, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो स्टॉक हर तरह से स्टॉक स्टेटस देखना है, स्टॉक स्टेटस, करंट का स्टॉक में आपको स्टॉक बैंक में स्टेटमेंट देना है तो वो आपका देख सकते हैं, आप डेली स्टॉक देख सकते हैं, आप स्टॉक वैल्यूएशन कर सकते हैं स्टॉक की, तो वो सारा हमने इसमें दिया हुआ है। और आपका इसमें स्टॉक, डंप स्टॉक, डब में कितना है, एक्सपायर रजिस्टर दिया हुआ है, रेट लिस्ट दिया हुई है, और GST की सारी रिपोर्ट, GST R1, आपका सारा काम, B2B सेल, B2C, स्मॉल, ऑटोमेटिक JSN फाइल आपको जो GST पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं आप डायरेक्टली, तो ये ईवे बिल भी आप बना सकते हैं सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली। हमने यहाँ पे GST पोर्टल, ईवे बिल,
ये सारा दिया हुआ है। तो इस तरह से ये कंप्लीट ईआरपी नेन ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपको सारी फीचर्स मिल रही हैं। इसमें आपको खाता कैसे खोलेंगे, आपने न्यू पे क्लिक करना है तो यहाँ पे खाता खोल लिया, यहाँ पे उसका नाम उसका ग्रुप बना दिया, वो कोई कस्टमर है तो कस्टमर में डाल दिया, सप्लायर्स है सप्लायर्स में, ओपनिंग बैलेंस ट्रेडिंग ये सारा आप यहाँ से उसका GST वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसका आधार नंबर उसका पैन नंबर ये सारा डिटेल, उसका लिमिट क्रेडिट लिमिट कितनी है, बिल लिमिट कितनी है पार्टी की, तो ये सारा इसमें आप देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से डायरेक्टली SMS भी कर सकते हैं, आपको SMS करना है किसी पार्टी को तो वो SMS भी आपको यहाँ से डायरेक्टली चला जाएगा। और आपका बिल बनाते आइटम बनाना है आपको, न्यू आइटम पर क्लिक करना है, आइटम का शॉर्ट नेम, उसकी GST परसेंट एक बार सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से GST उठाएगा वो। यहाँ पे आइटम कंपनी किस कंपनी का आइटम है, आइटम ग्रुप, और ये आपको पीस में, लीटर में, केजी में, ये सारा देते हुए आप रजिस्ट्रेशन कोड, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, MRP ऑटोमेटिकली ये बार कोड भी जनरेट करेगा, आपका स्टॉक वैल्यू ऑटोमेटिक उठाएगा, आपका फोटो भी लगा सकते हैं स्टॉक का। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड इसमें आइटम बना सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितने भी आपका ग्रोसरी का काम है ग्रोसरी का बना सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम है स्पेयर पार्ट्स का, टेलीविजन, हर टाइप का बिजनेस में मेंटेन हो जाता है। आपका सेल में सेल नॉर्मली आप देखेंगे, आप बिल बनाना बहुत ही आसान है इसमें, आपने बिल बनाया, एंटर किया, एंटर करने के बाद आपको यहीं से आपको दिखाएगा पार्टी क्या अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे आपको आइटम दिखा देगा क्या आइटम है, दाल है, चीनी है, चावल, जो भी आपका आइटम बनाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली बिल में आपका जनरेट हो जाता है। देखिए 2 सेकंड के अंदर बिल जनरेट हो जाता है, आपने दिखाओ सॉफ्टवेयर में सर्च करो ये करो, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट बार कोड रीडर है तो आपको बार कोड रीडर से उठा लेगा आइटम को। तो इसमें स्कीम वगैरह सारा आपको कुछ भाड़ा लगाना है, चार्ज लगाना है, डिस्काउंट देना है, डायरेक्टली यहाँ पे आप डिस्काउंट डाल दीजिए, अपने आप डिस्काउंट हो जाए, इस तरह से आपका इसको बिल बना सकते हैं। POS सिस्टम भी हमारा बहुत ईजी है, अपने POS काउंटर सेल के लिए हमने बनाया हुआ है, इसमें डायरेक्टली बारकोड रीडर से आप टच कर दिया ऑटोमेटिकली, और उसका नंबर है आपका तो वो ऑटोमेटिकली देखो आइटम आ जाता है, आइटम जैसे आ गया आपने एंटर करना है, एंटर करने के बाद F3 से आप न्यू क्रिएट कर सकते हो आइटम, आप यहाँ से आपने वाटर है तो वाटर पे आपने इंटर किया, यहाँ ऑटोमेटिकली देखो बिल बन गया उसका, यहाँ पे कैश मोड ऑफ पेमेंट दे पूछेगा, कैश से है, क्रेडिट से है, ई वॉलेट से है, क्रेडिट कार्ड से है, तो ये सारा सिस्टम दिया हुआ है ऑटोमेटिकली। तो ये आपको बेहतरीन सॉफ्टवेयर ERP हमने बनाया हुआ है इसका। तो इस तरह से आपको मैंने बताया नेन ERP के अंदर सारी फीचर्स मिल रहे हैं, सारी ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सारा टूल्स हमने दिया हुआ है, सेटिंग किसी प्रकार की आप सेटिंग कर सकते हैं, डायरी, पर्सनल डायरी भी मेंटेन करने के लिए दी हुई है हमने इसमें, डायरी भी कुछ भी नोट्स हैं तो अपने नोट्स लिख के रख सकते हैं आप डेली का। यहाँ पे आपका GST पोर्टल, डायरेक्टली आपका GST पोर्टल खुल जाता है, अपना ईमेल बिल का पोर्टल खोलना है वो खुल जाता है, लॉग बुक, ट्रायल बैलेंस, समरी, स्टॉक रिपोर्ट, सारा हमने ये शॉर्टकट की बना रखी है, तो ये आपको दिया हुआ है। तो ये इंडिया नंबर वन नया ERP कैसे बनाते हैं, इसका कारण यही है कि इसमें एक स्टेज पे सारा दे रहे हैं। बैंक की एंट्री करना बहुत ही आसान है इसमें, बैंक की एंट्री करने के लिए जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें इस टाइप से नहीं मिलेगा कोई भी कि आपसे पूछे सॉफ्टवेयर कि चेक इशू करना है, डाप इशू करना है, चेक रिसीव करना है, डिपॉजिट कैश करना है, विड्रॉ करना है, तो ये हमने ईजी बनाने के लिए इसको किया है, जैसे कोई भी अननोन बंदा भी बैठ जाता है तो वो बैंक का काम कर सकते थे। जैसे आपने रिसीव करना है तो रिसीव कर लिया, किसको रिसीव करना है, एंटर किया यहाँ वहाँ पर उसको रिसीव किया आपने, यहाँ पर चेक नंबर डाला, चेक नंबर जैसे डालेंगे आप डेट डालेंगे उसकी डेट क्या है तो ऑटोमेटिकली इससे कर देगा। इसमें एंट्री करना इतना ही इजी है जैसे आप मोबाइल चलाते हैं उसी तरह से आप नए ERP के अंदर काम कर सकते हैं। आपको इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी YouTube वीडियो आपको मिलती रहेंगी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और जिससे कि हमारे नए ERP की जो कंप्लीट GST सॉफ्टवेयर उसकी वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।